ट्रेनिंग रही आपकी? अच्छी रही, नई चीज़ें सीखने को मिली और उसको हम लोग यहाँ पर जरूर चाहेंगे कि वो जो अच्छे गुड प्रैक्टिसेज हैं उनको यहाँ जरूर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। और सर क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं डीजीपी साहब ने, उस पर आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, वो पूरी कोशिश की जाएगी कि सर ने जो बातें कही हैं वो हमारे, और ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को ये बातें बताई गई हैं लगातार। आपका अपना आशा एक भारत को, सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आप सभी का आशा एक भारत में, आशा एक भारत की टीम आज आरा भोजपुर बिहार में है और आरा भोजपुर बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए हुए थे। पारण परेड के तहत पारण परेड का समापन हुआ है और उसके बाद क्या कहना है आरा एसपी सुशील कुमार का, ये भी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। सर सबसे पहले आपको, आपका फिर से स्वागत है आरा में, क्योंकि आप ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, किस तरीके से ट्रेनिंग रही आपकी? अच्छी रही, नई चीज़ें सीखने को मिली और उसको हम लोग यहाँ पर जरूर चाहेंगे कि वो जो अच्छे गुड प्रैक्टिसेज हैं उनको यहाँ जरूर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। सर क्या कहना है आज जिस तरीके से गुप्तेश्वर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या क्या हुआ आज? देखिए, आज 364 सिपाहियों का पारण परेड था जो विभिन्न जिलों से और रेल जिलों से आए हुए थे, उनका ट्रेनिंग यहाँ समाप्त हुआ और उसके बाद आज पारण परेड का आयोजन था। पुलिस महानिदेशक महोदय आए थे, उन्होंने संबोधित किया और सिपाहियों का उत्साहवर्धन किया। हम शुक्रगुजार हैं सर के कि ये आयोजन सर के आने से और सफल हो चुका पाया है। सर कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली? 64 लोग यहाँ से आज ट्रेन होके गए हैं और सब अपने अपने जिलों में अब योगदान करेंगे। सर खासकर उन्होंने शराब बंदी को लेकर और शराब माफियाओं को लेकर काफी सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं डीजीपी साहब ने, उस पर आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, वो पूरी कोशिश की जाएगी कि सर ने जो बातें कही हैं वो हमारे, और ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को ये बातें बताई गई हैं लगातार, तो हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सिपाही हैं वो इसको जरूर लागू करें। चलिए सर, अब खाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया हमें। तो यहाँ पर जिस तरीके से एसपी सुशील कुमार भी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें रखी है, खासकर डीजीपी ने जिस तरीके से निर्देश दिया है सुशासन व्यवस्था के साथ, खासकर शराब माफियाओं को लेकर, उस पर भी अब आगे ध्यान दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के लेकर मैंने काफ़ी सारी बातें पूछी है, जिस तरीके से वो ट्रेनिंग करके आए हैं तो क्या कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, मेरे साथ टूना कुमार, अगर ये विवाह राय और ये खबर आपको पसंद आया तो इस खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ऑन यूट्यूब, आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को, सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।